हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट ऑक्सीटोसिन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस में, और ये स्टोर होता है एग्जॉन टर्मिनल विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उनके जो एग्जॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वहाँ पर ये स्टोर होता है। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो जाता है, बनता है हाइपोथैलेमस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है उनके जो एग्जॉन टर्मिनल्स जो होते हैं वहाँ पे ये स्टोर होता है। ये जो ऑक्सीटोसिन जो होता है इसके दो टारगेट्स होते हैं। एक होता है यूट्राइन स्मूथ मसल्स, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में यूट्रस। दूसरा होता है मेमरी ग्लैंड। सबसे पहले हम देखेंगे यूट्राइन स्मूथ मसल जो होते हैं इसमें कैसे ही इफेक्ट करता है और कैसे रिलीज हो जाता है। ज्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो मतलब जो बच्चा पैदा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो जब ये रिलीज हो जाता है, ये आता है ब्लड में, तो इसके बाद क्या होता है, ये ब्लड इसलिए रिलीज होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, बेबी का जो हेड होता है, ये जो सेंसरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं उस हेड से, बेबी के हेड से क्या होता है, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं सेंसरी इम्पल्स। तो ये क्या, जब ये सेंसरी इम्पल्स जो होता है, जब ये जनरेटेड होता है इस बेबी के हेड से, जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, ये ट्रैवल करते हैं हाइपोथैलेमस तक। फिर क्या करते हैं हाइपोथैलेमस, फिर ये स्टिमुलेट करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जहाँ से ये जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिलीज हो जाता है। दूसरा, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है फिर ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसकी ज़्यादा कंट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होता है, ये जो बेबीज़ का जो हेड होता है वो नीचे आ जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब ये कंट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, जब ये मतलब बेबी पूरा रिलीज हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो जो कंट्रैक्शन जो होती हैं, ये जो रिलैक्स हो जाती है मसल, तो होता क्या है, ये जो इस रिलैक्स से क्या होता है, मसल जाते हैं वापस हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये करता है स्टॉप करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दूसरा जो इसका टारगेट होता है ऑक्सीटोसिन का, वो होता है मेमरी ग्लैंड। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, मिल्क लैक्टेशन की ज़रूरत होती है, तब क्या होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क का निकलना जो होता है मेमरी ग्लैंड से, उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये कैसे ये स्टिमुलेट हो जाता है, अब इसका स्टिमुलस कैसा होता है, ये जो मिल्क इजेक्शन जो होती है मेमरी ग्लैंड से, इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस जो होता है वो होता है बेबी का सकलिंग। जो बेबी जो होता है जब वो सक करता है मेमरी ग्लैंड को, तो उस जो स्टिमुलस जो होता है उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं मेमोरी ग्लैंड से टू हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस क्या मैसेज भेजता है, या नर्व इम्पल्स भेजता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, या इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को, जहाँ से रिलीज हो जाता है ऑक्सीटोसिन। इस तरीके से जो बच्चा होता है वो उसके लिए दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड से। अब हम देखेंगे जो ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका मेल्स और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कोई रोल नहीं देखा गया है। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसका लेबर होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं। इससे क्या होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस से क्या होता है, जो बेबी का हेड होता है ये आ जाता है सर्वेक्स में। अब सर्वेक्स में ये चीज़ जो होती है वहाँ पे
रिसेप्टर्स होते हैं यूट्रस में, तो उनको बोलते हैं डिटेक्टर। मतलब ये जो ये बेबी का जो हेड होता है, जो होता है उस हेड को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं इस यूट्रस में, तो यही फिर जनरेट करते हैं नरो इम्पल्स। ये नरो इम्पल्स जाता है हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को चला जाता है। वहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ऑक्सीटोसिन। ये आ गया ऑक्सीटोसिन, यहाँ हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ पे आएगा, यूट्रस में। जब ये यूट्रस में आएगा तो ये होगा इसका इफेक्टर, मतलब जहाँ पे ये इफेक्ट करेगा ऑक्सीटोसिन। जब ये इस यूट्राइन स्मूथ मसल में आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस हो जाएंगे, जिससे बेबी का जो है ना वो सर्वेक्स में आएगा। जब वो सर्वेक्स में आएगा इस तरीके से जो बेबी जो होता है वो मतलब डिलीवर हो जाएगा, बाहर आएगा, तो मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाएगा। जब मसल रिलैक्स हो जाएगा ऑक्सीटोसिन का ऑटोमेटिकली जो होता है इनहिबिशन हो जाता है। जब डिलीवरी मतलब जो बेबी का डिलीवरी जो होता है इस डिलीवरी से मसल का मतलब रिलैक्स हो जाती है, जो मैसेज भेजते हैं किसको, इसको हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वहाँ से जो ये ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो होता है उसको स्टॉप करता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।